नमस्कार किसान भाइयों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जॉन डियर चौवन जीरो पाँच ट्रैक्टर है ये और ये ट्रैक्टर फोर व्हील ड्राइव में है ट्रैक्टर और ये ट्रैक्टर पूरा तिरसठ एचपी का ट्रैक्टर है जॉन डियर का काफ़ी बड़ा ट्रैक्टर है ये और काफी अच्छा ट्रैक्टर है और ये ट्रैक्टर तीन सिलेंडर में आता है इसका इंजन है और इसमें इनलाइन पर मिलता है ट्रैक्टर में तीन सिलेंडर का तीन तो सबसे पहले बात करते हैं इस ट्रैक्टर के फ्रंट से तो इस ट्रैक्टर में बड़े टायर दिए गए हैं और वो टायर का साइज भी काफी बड़ा है इसका और इसमें एक्सेल है वो करारो कंपनी का ट्रैक्टर में एक्सेल आता है और इसमें बैलेंस पावर स्टीयरिंग दिया गया है जिससे ट्रैक्टर एक तरफ को झोल नहीं मारता है अन्य कंपनियों में सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिया जाता है जिससे किसान भाइयों को थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है पर ज्वाइ कंपनी में जॉनी ट्रैक्टर में काफ़ी अच्छा सिस्टम दिया गया है बैलेंस पावर स्टीयरिंग है जिससे इसकी कटाई करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और इस ट्रैक्टर में सिंगल पीस मॉडल मिलता है और बैटरी भी इस ट्रेक्टर में आगे मिल जाती है इसके टायर का साइज़ है वो ग्यारह दो चौबीस का टायर का साइज है बड़े टायर हैं हैवी एक्सल दे सकते हैं यहाँ पे भी इसकी जो फोर व्हील टाइप की रॉड दी गई है यहाँ से और इसकी जो पीटी वगैरह है सब कुछ यहाँ पे लिखी हुई है चौवन एच पी की इलेक्ट्री पी टी पावर है और इस पर एस एफ सी इसकी यहाँ पर लिखी हुई नहीं है कंपनी ने इसकी एस एफ सी नहीं दी है लिखे और इस सेक्टर में बॉस कंपनी का इन लाइन पंप मिलता है टर्बोचा इंजिन आता है इस ट्रैक्टर में और तीन सेंटर में तीन सेंटर ट्रैक्टर आता है ये और ट्रैक्टर में सिंगल फीस बोर्ड मिलता है दो फिल्टर मिल जाते हैं और इस ट्रैक्टर में हीटगार्ड मिल जाता है जॉन डियर के सभी मॉडल में हीटगार्ड मिलता है ये ट्रैक्टर गियर प्रो मॉडल है और इसके जो पैरदान वो भी बहुत ही बढ़िया दिए गए हैं ऊंचे पैरदान दिए गए हैं खुला प्लेट खुला बिल्कुल प्लेटफॉर्म है इस ट्रैक्टर का और इस सेक्टर में मोबाइल चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया गया है और इस सेक्टर का स्टेयरिंग है वो भी एडजस्टेबल है इस लॉक के द्वारा इसको स्टेयरिंग एडजस्टेबल हो जाता है ऊपर नीचे हो जाता है और ये ट्रैक्टर ए बी सी डी गेयर में आता है ट्रैक्टर ये गेयर प्रो मॉडल है इसमें ए बी सी डी गेयर दिए गए हैं इधर इसका मेन लीवर एक दो तीन और एक रिवर्स है और एक इसमें बॉक्स लॉक दिया गया है यहाँ पे और ट्रेक्टर में डिजिटल मीटर मिल जाते हैं तीन हजार आरमी ट्रेक्टर मीटर है जॉन डियर का लोगो लगा है यह लाइट का सिस्टम दिया गया है यहाँ पे इस ट्रैक्टर में पीटी के लिए इसमें डबल क्लेस दिया गया है और इस ट्रेक्टर में पाँच सौ चालीस सीओ और पाँच सौ चालीस मल्टी स्पीड प्यूट मिल जाती है ट्रैक्टर में इसकी सीट है वो भी एडजस्टेबल है और क्लासेस वाले मडगाट दिए गए हैं और इस सेक्टर के टायर का साइज है पच्चीस सोलह नौ तीस का और अठारह चार तीस का ट्रैक्टर में ऑप्शन का टायर का ऑप्शन है इस सेक्टर में और लोहे का टूल बॉक्स है और इंडिकेटर दिया है काफी बड़ी इंडिकेटर है हाईस्ट कंपनी के बड़े इंडिकेटर दिए गए हैं और यहाँ पर स्विच भी दिया गया है ट्रॉली में इंडिकेटर लगाने के लिए यहाँ से कनेक्शन हो सकता है और इस सेक्टर का फ्यूल टैंक है वो भी काफ़ी बड़ा दिया गया है आठ लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है और इस सेक्टर में डबल डिस्ट्रीब्यूटर भी दिए गए हैं काफ़ी किसान भाई इसकी डिमांड कर रहे थे कि ज्वाइंटिंग में भी अब डबल डिस्ट्रीब्यूटर आना चाहिए और इस सेक्टर की लिफ्ट कैपेसिटी है वो पच्चीस सौ के जी की दी गई है पहले से इसकी लिफ्ट कैपेसिटी बढ़ा दी गई है यार सुपर सीडर की वजह से क्योंकि सुपर सीडर काफ़ी काफ़ी भारी होता है इस चक्कर से उसकी इस्तेवाल भी काफ़ी अच्छी दी गई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दी गई हैं एडजस्टेबल है पाइप द्वारा पहले इसमें जंजीर आती थी कंपनी ने यह भी चेंज कर दिया है सेक्टर में और रेस इसमें तीन पॉइंट दिए गए हैं और इसका हिच है वो भी एडजस्टेबल हो जाता है और रिफ्लेक्टर रे, मिल जाता है यहाँ पे पीछे टंकी में और जंडी की टंकी पीछे आती है डीजल टैंक पीछे आता है और काफी बड़ा टैंक है ये फिल्टर इस ट्रैक्टर का और इस साइड पर तो भी फेंडर दिए गए हैं और इस ट्रैक्टर में डिफरेंस लॉक मिल जाता है साइड सिर्फ ट्रैक्टर में गियर आते हैं और इसमें बोटल रखने के लिए सिस्टम दिया गया है काफी बढ़िया है यहाँ से इंजन को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर दी गई है और साइड में मिल जाता है सेक्टर में और सस्पेंड वाले ट्रैक्टर में पेडल दिए गए हैं और इस सेक्टर में वाटर सेप्रेडर मिल जाता है छोटा सेल्फ दिया गया है छोटा सेल्फ बड़ा काम और इसमें पावर स्टीयरिंग के लिए हाइड्रोलिक के लिए इसमें टैंडम पम्प लगाया गया है और इस सेक्टर में पावर स्टीयरिंग के लिए और हाइड्रोलिक ऑयल इसमें इर्गी होता है जॉन डियर के ट्रैक्टर में सभी में ऐसे ही सिस्टम होता है अगर वीडियो अच्छे लगे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ये टोटल टर्बलो चार्ज में आता है इसके इंटरकूलर भी लगाया गया है शानदार लुक के साथ टक्टर आता है ये धन्यवाद